और जिसके लिए इन्हीं लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू हुआ। लोगों को पढ़ाना और एक एक तरह से काम करना ये एकदम बिल्कुल हम लोग लगे हैं और शराबबंदी होना चाहिए। बिहार यात्रा और इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश उनका जो सपना है वो लगातार पूरी होती जा रही है, चुनौती हो लेकिन उसमें कारगर भी साबित होते जा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर, आजीविका दीदी का जो भरण पोषण जो उपलब्धि हुई है जिसको लेकर सीएम नीतीश काफ़ी खुश नजर आए और सीएम नीतीश ने कहा जीविका दीदी अपना भरण पोषण से लेकर हर वह संभव प्रयास किया, मैंने उन्हीं के कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू किया हूँ। आज मुलाकात हुई, मैंने दोबारा पूछा कैसा रहा तो उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी पूरी अच्छी तरीके से है और मैं इसके साथ हूँ। यानी बिहार में सीएम नीतीश ने जो कहा था महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू की गई है वो आज जीता जागता उदाहरण जो कि सीएम नीतीश कुमार खुद बता रहे हैं। जरा देखिए इस तस्वीर को। उनकी बात सुने हम लोग भी कहे और खूब अच्छा काम कर रही है। राजीविका की दीदियों को देखिए कितनी बड़ी संख्या में हर जगह लोगों को पढ़ाना और एक एक तरह से काम करना, परिवार की स्थिति को बेहतर करना, एक तो सब लोगों का जो योगदान चल रहा है बहुत ही अच्छा है और सब तरह की बात भी, और जो पिछली बार भी अभियान चला और जिसके लिए इन्हीं लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू हुआ, आज खुद भी बोल रही हैं कि एकदम बिल्कुल हम लोग लगे हैं और शराबबंदी होना चाहिए और फिर दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब को लेकर के जो हम लोग पिछली बार समाज सुधार अभियान चलाए थे तो उन सब चीज़ों को एक एक बात को मानते हुए कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है परिवार को आगे बढ़ाना, अपने इलाके को प्रेरित करना और बच्चे बच्चियों को पढ़ाना, ये सब बहुत अच्छा एक माहौल है, हम यही चाहते हैं। और लड़कियां पढ़ेगी तभी ना समाज आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा कि सीएम नीतीश कुमार जब शराबबंदी की बात की गई तो सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू रहेगी और इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी शराब माफियाओं को लेकर। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदी की जमकर तारीफ की है और सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अपना भरण पोषण और जो सरकार हर संभव मदद कर रही थी वो हमेशा करती आएगी।